नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हेमंत और आज मैं आपको घर खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हम घर खरीदने का प्लान करते हैं तो हमारे पास जनरली दो ऑप्शंस होते हैं। एक, या तो हम बना बनाया रेडी टू मूव इन घर खरीद लें, या फिर दूसरा ये कि हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करें। रेडी टू मूव इन फ्लैट में कोई खास परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही डील क्लोज होती है आप घर में शिफ्ट होकर रहना चालू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में बुकिंग करते हैं तो फ्लैट का पोजीशन मिलने तक आपको वेट करना पड़ेगा, और पोजीशन मिलने के बाद ही आप अपने घर में शिफ्ट कर पाएंगे। दोस्तों, सारी परेशानी यही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का कोई भरोसा नहीं होता कि हमारा बुक किया हुआ फ्लैट हमें टाइम पर मिलेगा या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको 10 पॉइंट्स का चेकलिस्ट बताने जा रहा हूँ, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और आप अपने सपनों के घर में बहुत जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए ये पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें। पहला, क्या प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है? दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप केवल रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही अपना पैसा लगाएं। रेरा रजिस्टर्ड का मतलब है कि कंपनी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पॉल्यूशन बोर्ड और बाकी हर तरह का लाइसेंस और अप्रूवल लिया हुआ है जो प्रोजेक्ट चालू करने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, क्या सभी प्रोजेक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं? दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रेरा की वेबसाइट पर वो सारी बेसिक डिटेल्स प्रोजेक्ट को लेकर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे प्रोजेक्ट से दूर ही रहें तो अच्छा है। तीसरा, क्या बिल्डर फाइनेंशियली स्ट्रांग है? दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना कि क्योंकि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो ये पक्का है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा। बिल्डर के बारे में थोड़ा पता जरूर कर लें। क्या बिल्डर ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को टाइम से डिलीवर किया है या नहीं किया है? चौथा, क्या आपने कंस्ट्रक्शन साइट देखी है? दोस्तों, एक बार साइट पर जाकर जरूर देखें कि जो फैसिलिटीज बिल्डर ने प्रॉमिस किया है वो सब वास्तव में उस जगह पर पॉसिबल है या नहीं है। पांचवा, क्या प्रोजेक्ट डेडलाइन रीजनेबल है? दोस्तों, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट्स में आपको रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट मिल जाएगा। दोस्तों, जनरली ये डेडलाइन बिल्डर द्वारा बढ़ा के दी हुई होती है, क्योंकि रेरा आने के बाद अगर वो टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता है तो उसे कस्टमर्स को इंटरेस्ट देना होता है। छठा, क्या आपने प्रोजेक्ट साइट पर काम होते हुए देखा है? दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अगर पॉसिबल हो तो 2-3 महीने तक प्रोजेक्ट में काम होने का स्पीड को जरूर चेक कर लें। सातवां, क्या प्रॉपर्टी रेट्स रीजनेबल हैं? दोस्तों, आसपास के प्रोजेक्ट्स में ज़रूर पता कर लें कि उस एरिया में जनरल क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का। आठवां, क्या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है? दोस्तों, पूछने पर डिस्काउंट्स ज़रूर मिलेंगे, तो बिना शर्माए डिस्काउंट्स ज़रूर मांगिए। नौवां, क्या प्रॉपर्टी डीलर निष्पक्ष है? दोस्तों, ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपका प्रॉपर्टी डीलर निष्पक्ष है या नहीं, कहीं वो बिल्डर का आदमी ही तो नहीं। अगर डीलर इंडिपेंडेंट होगा तो सलाह अच्छी मिलने की संभावना है। दसवां, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स है एरिया के? दोस्तों, चाहे आप घर अपने रहने के लिए खरीद रहे हों या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद रहे हों, एरिया का फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर पता कर लें। जैसे कि क्या वहाँ पर कोई आईटी पार्क, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रो बन रहे हैं या नहीं। एरिया का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा प्रॉपर्टी के प्राइस फ्यूचर में उतने ही बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, घर खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।